यानी कि 10 सितंबर तो 10 दिन तक चलन वाले गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। इस पर्व नूं पूरे भारत विच बड़ी ही धूमधाम दे नाल मनाया जांदा है। इस पर्व नूं लेके चंडीगढ़ दे विच भी तैयारियां चल रही ने। भगवान गणेश दीयां सुंदर मूर्तियां दे नाल बाजार भी सज चुके ने। सैक्टर 20 दे विच भगवान गणेश जी दीयां मूर्तियां लैण दे लई लोकां दी भारी भीड़ भी देखण नूं मिल रही है। लोकां दा कहना सी कि कोरोना दी वजह दे नाल पिछले साल धूमधाम दे नाल ओह गणेश चतुर्थी नहीं मना सके सन, पर हुण इस वार गणेश चतुर्थी दा त्यौहार ओह बड़ी ही श्रद्धा ते भावना दे नाल मनाउणगे। हर साल की तरह हम गणपति अपने घर लेके जाएंगे एंड जितने भी दिन रहते हैं हम कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे से सुबह शाम उनकी पूजा करें एंड बाकी घर में आए सुख शांति दे के जाएँ एंड हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी आना चाहें दर्शन ज़रूर करने आएँ। एंड कोविड के बाद अभी खुला है, इस बार तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे कुछ फ्रेंड्स और फैमिली ज़रूर आएंगे विसर्जन पे भी और पूजा पे भी। इस बार हमारे बेटे की पहली गणेश चतुर्थी है तो हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। पूरा परिवार इकट्ठा होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरा परिवार, पूरे रिलेटिव सबको बुलाया है, सब इकट्ठे होंगे, सब धूमधाम से पूजा करेंगे। कितनी देर से आप हमें हो गए हैं 5-6 साल तो तब से हम मनाते आ रहे हैं। इस बार क्या मांगेंगे? वो तो देखो सीक्रेट है, जो गनू से मांगेंगे उन्हीं को पता होगा, वही देंगे। तो इस बार तो मांगेंगे कोरोना महामारी? वो तो बिल्कुल, हमने पिछले साल भी यही मांगा था क्योंकि पिछले साल भी कोरोना का बहुत डर था लेकिन फिर भी हमने ये त्यौहार मनाया था। लेकिन इस बार ठीक है, पिछले बार किसी को बुलाया नहीं था, इस बार हम अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे। दूसरे पासे सेक्टर 47 कालीबाड़ी मंदिर दे विच भी भगवान गणेश जी दीयां सुंदर मूर्तियां सज के तैयार पईयां ने। जिन्हां ने मूर्तियां दी बुकिंग करा रखी सी ओह वड्डी गिणती दे विच मूर्तियां खरीदण दे लई पहुंच रहे ने। जी हाँ, हम हर साल गणेश चतुर्थी मनाते हैं और तकरीबन 6-7 साल हो गए, 6-7 साल से हम लोग ये त्यौहार मना रहे हैं बड़े धूमधाम से। और इस बार हमारे घर पे भी नए मेहमान आया तो उसके साथ पहली बार गणेश चतुर्थी मनाएंगे। तैयारियां पूरे धूमधाम से, जैसे फेस्टिवल होते हैं सारे तो हमारे घर में भी जितने दिन गणेश जी रहते हैं उतने दिन त्यौहार का माहौल रहता है, चाहे 3 दिन बिठाएँ, 5 दिन 11 दिन। सो सारा खान पान सब वहीं पर वैसे चलता है और तीनों टाइम का भोजन सब मिलके करते हैं फैमिली पूरी। ऐसे ये 3 दिन का त्यौहार होता है, भारत संस्कृति का सबसे मशहूर त्यौहार है तो ये 3 दिन का होता है। जैसे अब शुक्रवार है, शुक्रवार को गणेश जी की पूजन होगा और इसको हम 3 दिन संडे को विसर्जन करेंगे। तो ये हर साल आता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भारत की संस्कृति का यह बहुत ही फेमस और धार्मिक त्यौहार है, हम सबको मिलजुल के मनाना चाहिए। कालीबाड़ी मंदिर च भगवान गणेश जी दीयां मूर्तियां बनाउण वाले कारीगर ने दसे कि इस बार मूर्तियां दी डिमांड काफी ज्यादा है, मूर्तियां घट पै गईयां ने, बस छोटियां मूर्तियां ही बचियां ने। इस बार गणेश चतुर्थी ते भगवान गणेश जी दीयां मूर्तियां काफी बिक भी रहियां ने। इत्थों तक कि हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा ते पंजाब तक तो ऑर्डर उन्हां नूं आए ने। बड़ी मुश्किल दे नाल इह ऑर्डर उन्हां वल्लों पूरे कीते गए ने। पिछले साल कोरोना की वजह से इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, पर अगली बार कोरोना थोड़ा कम है और इस वजह से कस्टमर की डिमांड पे तो मूर्तियाँ अवेलेबल है और अच्छी डिमांड है। कस्टमर आ रहा है? हाँ, कस्टमर आ रहा है, अपनी मनपसंद की मूर्तियाँ लेके जा रहा है और उम्मीद है कि बहुत अच्छा त्यौहार जाएगा। ते आओ हुण तुहानूं दसदे हां कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। पुराणिक कथावां दे अनुसार इस दिन विघनहर्ता यानी कि गणेश भगवान जी दा जन्म होया सी। इस नूं विनायक चतुर्थी या फिर गणेश चौथ दे नाम दे नाल भी जाणिया जांदा है। गणेश चतुर्थी दा पहला दिन भगवान गणेश जी दे जन्म दिन दे रूप विच मनाया जांदा है ते अंतिम दिन अनंत चतुर्थी दे रूप विच मनाया जांदा है। पहला तो इह त्योहार महाराष्ट्र दे विच मनाया जांदा सी, पर हौली हौली महाराष्ट्र ते गुजरात तो निकल के इह त्योहार पूरे भारत दे विच प्रसिद्ध हो गया। धूमधाम दे नाल मनाई जांदी है गणेश चतुर्थी। हिंदू धर्म दे विच गणेश चतुर्थी दा पवित्र त्यौहार बड़े ही धूमधाम दे नाल मनाया जांदा है। इस त्यौहार दी शुरुआत सब तो पहला महाराष्ट्र दे विच होई। हिंदू पंचांग दे अनुसार गणेश महोत्सव भाद्रपद मास चतुर्थी तिथि तो चतुर्दशी तक चलदा है।
इस तो बाद 11वें दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी ते भगवान गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। पूरे भारत विच इस दिन नूं गणेश जी नूं जल दे विच विसर्जन दे रूप विच मनाया जाता है क्योंकि गणेश जी जल दे देवता मन्ने गए ने। गणपति बप्पा मोरिया दे लगदे ने जयकारे। भारत विच दक्षिणी अते पछमी सूबिआं दे विच इस त्योहार नूं लैके एक वख ही धूम देखण नूं मिलदी है। इस दिन लोग जनतक पंडालां दे विच विघनहर्ता भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करदे ने ते 10 दिन तक निरंतर गणपति बप्पा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणेश चतुर्थी का इतिहास। इतिहासकारां दे मुताबिक गणेश चतुर्थी दे इस पवित्र त्योहार की शुरुआत 1630 ते 1680 दे दौरान हुई है। उस वेले यह त्योहार समाजिक समारोह के रूप में मनाया जाता सी। शिवजी दे समय भगवान गणेश जी की पूजा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੇਸ਼ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਤਸਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 1893 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।